और आइए आपको सीधे पटना लेकर चलेंगे। आज पटना में शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार, थोड़ी देर बाद पटना जो गुलबी घाट है वहां पर शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तस्वीर आपके सामने है, देखिए किस तरीके से वहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और किस तरीके से विदाई शारदा सिन्हा को दी जा रही है। बेहद भावुक ये पल हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं शारदा सिन्हा के अंतिम दर्शन। लंबे वक्त से बीमार चल रही थी शारदा सिन्हा, दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें आपको कई नेता भी नजर आ रहे हैं। बीजेपी के नेता रामकृपाल आगे आगे नजर आ रहे हैं यहाँ पर, और देखिए किस तरीके से अंतिम यात्रा पर शारदा सिन्हा। छठी मैया की जय, यही जयकारे शारदा सिन्हा जब अंतिम सफर पर है उस समय सुनाई पड़ रहे हैं। मैथिली भोजपुरी के अलावा हिंदी गीत भी गाए शारदा सिन्हा ने, लेकिन जो खास पहचान शारदा सिन्हा को मिली वो लोक गायिका और खासतौर से छठी मैया के लिए जिस तरीके की भक्ति उनकी गीतों के जरिए सुनाई पड़ती थी, उसी ने शारदा सिन्हा को एक अलग पहचान दिलाई। अंतिम सफर पर शारदा सिन्हा, अंतिम यात्रा शारदा सिन्हा की, और उसी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। थोड़ी देर बाद गुलबी घाट पर शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें, इससे पहले तमाम बड़ी हस्तियां जो शारदा सिन्हा के अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंची उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शारदा सिन्हा के अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। और अब आपने देखा अंतिम सफर पर शारदा सिन्हा, कुछ देर में पटना के गुलबी घाट पर अंतिम संस्कार होगा। वो सीधे पटना लेकर चलेंगे जहाँ लोक गायिका शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार अब से कुछ ही देर बाद किया जाएगा। पटना की तस्वीरें आपके सामने हैं, अंतिम यात्रा पर, अंतिम सफर पर लोक गायिका शारदा सिन्हा, और कुछ ही देर में पटना के गुलबी घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारी सहयोगी निधि इस वक्त मौजूद हैं। निधि, छठी मैया की भक्ति करते करते देश ही नहीं पूरी दुनिया में शारदा सिन्हा ने अपनी एक अलग पहचान बनाई, और देखिए नियति ऐसी कि छठ पर्व पर ही छठी मैया के श्री चरणों में शारदा सिन्हा को अब जगह मिलने वाली है। क्या जानकारी मिल रही है, कब तक अंतिम संस्कार किया जाएगा और कौन कौन पहुँच रहा है अंतिम दर्शन के लिए? रोमांच, मैं बता दूं कि मैं जहां मौजूद हूं, ये सामने आपको सफ़ेद रंग का घर दिख रहा है, ये शारदा सिन्हा का घर है, और यहां से तकरीबन 9:15 बजे उनके पार्थिव शरीर को उनके बेटे और दीघा से जो विधायक हैं यहां, वो सब लेकर यहां से गए हैं उनके पार्थिव शरीर को गुलबी घाट पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और थोड़ी ही देर में, यहां से बहुत ज़्यादा दूरी गुलबी घाट की नहीं है, हालाँकि एक तरीके से कहा जाए तो एक यात्रा के तौर पर उनका जो पार्थिव शरीर है उनको लेकर जाया गया है। तो जाहिर है बड़ी संख्या में लोग उनको देखने के लिए, अंतिम दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं, और थोड़ी ही देर में अंतिम संस्कार होगा। लेकिन एक बात मैं बता रही थी कि किस तरीके से आज तीसरा दिन है छठ का, और जब अपने घर से निकली है शारदा सिन्हा अंतिम सफ़र के लिए, तो चारों तरफ सिर्फ उन्हीं के गाए हुए गीत सुनाई दे रहे हैं। और उन्होंने एक गीत गाया था कि उठा हो सूरज देव भैले बिहान। तो आज जब सूरज उगा है तो आज शारदा सिन्हा हमारे बीच नहीं है, और तमाम लोग जिन्होंने इस छत से, ये जो आपको सामने छत नज़र आ रहा है, इसी छत पर उनको रियाज़ करते हुए देखा, उनके घर के लोग, उनके रिश्तेदार, उनके मोहल्ले, उनके पड़ोसी, वो सब उनको अंतिम दर्शन के लिए पहुँचे हैं। और शारदा सिन्हा एक अलग तरीके की उनका व्यक्तित्व रहा है, और शुरू से गायन को लेकर के, क्योंकि आखिरी जो वीडियो उनका आया था रोमाना, हमने देखा कि किस तरीके से वो अस्पताल में है, नाक में उनके पाइप लगा, वो वेंटिलेटर पर है, उसके बावजूद वो उठ करके रियाज़ करती हैं। तो ये जो उनकी ललक रही है कि अभ्यास ना छूटे, आखिरी दौर तक आखिरी सांसें चल रही हैं, तो वो तस्वीर बहुत कुछ कहती है कि जज्बा कितना ज़्यादा शारदा सिन्हा के अंदर था। जी, इसीलिए तो बिहार की स्वर कोकिला, ये एक पहचान जो लोक गायिका शारदा सिन्हा ने बनाई, और आज नमाखों से सब अंतिम विदाई शारदा सिन्हा को दे रहे हैं।